मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम संपूर्ण विश्व के लिए एक श्रेष्ठ जीवन का आदर्श उदाहरण है। संपूर्ण भारत के प्रत्येक भारतीय के लिए भगवान श्री राम और जन्मभूमि अयोध्या का विशेष स्थान है। 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। देवास नगर की अशासकीय संस्थाओं के विद्यार्थी इस राष्ट्रीय गौरव के विषय को शोभा यात्रा के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करने जा रहे हैं। विद्यार्थी श्री राम संकीर्तन भजन एवं रामधुन को गुनगुनाते हुए 20 जनवरी को देवास शहर के मुख्य मार्गों पर भ्रमण करेंगे। यात्रा के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी अशासकीय शिक्षण संस्था संचालक संघ ने दी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है, यह कार्यक्रम सभी समाजजनों को उत्तेजित कर रहा है। कहीं न कहीं वो इस कार्य में अपनी एक आहुति डालना चाहते हैं। पिछले शनिवार को हमारी जो टोली है अशासकीय शिक्षण संस्था संघ की, हम लोगों की टोली ने भी विचार किया, इतने बड़े कार्यक्रम में हम लोगों को भी कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए। केवल अशासकीय संगठन के नाते नहीं, वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने विद्यार्थी जो अभी समाज की मुख्य धारा में आने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस प्रकार के कार्य को जीवन भर याद रखें, ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा ये कि इतना बड़ा कार्य बार बार नहीं आता है। यह कार्यक्रम एक शोभा यात्रा के रूप में भोपाल चौराहे से प्रारंभ होते हुए परंपरागत मार्ग से सयाजी द्वार पर समाप्त होगा। इसमें कक्षा 7वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों, क्योंकि ये सड़क पर चलने वाला कार्यक्रम है, इसलिए 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को शामिल करने का आह्वान किया गया है। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में समाज से भी अपील की जा रही है कि हमारे इन छात्र छात्राओं का हौसला अफजाई करने के लिए इस पूरे मार्ग पर, जिसको अभी हम पढ़कर भी सुना देंगे, इस पर उन बच्चों का सामाजिक संगठन, शहर के गणमान्य नागरिक और अभिभावकों से भी अपील की जा रही है कि वो सब आकर इन छात्र छात्राओं का हौसला अफजाई करें, स्वागत करें। इस प्रकार का ये कार्यक्रम है और छोटी छोटी बातें जो रहती है उस पर हम विचार कर रहे हैं। इसके लिए 8-9 प्रकार की समितियां बनी है संचालक साथियों की, जो अपने अपने स्तर पर उन सब बातों का विचार कर रही है। प्रशासनिक समिति है जिन्होंने प्रशासन से चर्चा की है, विद्यालय के अंदर जो रूपरेखा पहुंचाना है उसकी एक समिति है, पूरा जो शोभा यात्रा निकलने वाली है उस शोभा यात्रा के स्वरूप के बारे में एक समिति बनी हुई है, यातायात कैसा रहेगा उस दिन, कोई जनता परेशान नहीं हो, किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं हो, इस सब बातों को ध्यान में रख के यातायात समिति बनी हुई है। ऐसे 8-9 प्रकार की छोटी छोटी समितियां बनी हैं जो इस काम को अंजाम दे रही है। अभी पत्रकार वार्ता के बाद उन सब समितियों का भी यही पर एक बैठक होने वाली है। कल शाम तक हम पूरी रूपरेखा को विद्यालय तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज शाम तक हम ये काम कर लेंगे, कल का दिन जो रहेगा वो छोटे मोटे काम जो बचेंगे वो हम लोग करेंगे और परसों सुबह 11 बजे भोपाल चौराहे से यह शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। वहां उपस्थित होने का समय 10:30 बजे रखा गया है। जो पहली यात्रा के विद्यार्थी रहेंगे वो 45 मिनट में सयाजी द्वार तक पहुंच जाएंगे और हमारा अभी संख्या को लेकर शायद हम कल वो करेंगे, पर हमारा अनुमान है कि इसमें 10,000 प्लस माइनस 1,000 संख्या रहने वाली है, ये हमारा अनुमान है। कार्यक्रम अशासकीय शिक्षण संस्था संघ का नहीं है, एक बात और रही गई थी इससे याद आ रही है कि हमने हमारे संगठन में 115 विद्यालय है, पर मुझे लगता है इस कार्यक्रम में उससे ज्यादा विद्यालय प्रारंभ शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये हमने फ्री फॉल ऑल रखा है, केवल संगठन के ही जुड़े हुए
विद्यालय यहाँ नहीं आ रहे हैं, हमने उन सभी से ये निवेदन किया है कि ये राम का काज है, अगर आप आना चाहते हैं तो सहर्ष आप लोग इस कार्यक्रम में आइए, केवल हमें सूचना देके, ताकि हम उसको व्यवस्थाओं में ठीक ढंग से उस सारे विद्यार्थियों की व्यवस्था कर सके। ये जो प्लस माइनस एक या दो जो होने वाला है वो भी हम इसीलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आज शाम तक और विद्यार्थी हमसे जुड़ जाए और कल शाम तक और विद्यार्थी हमसे जुड़ जाए। हमारी संख्या हमारे पास आ चुकी है, पर चूंकि ये समाज का कार्यक्रम बनाना चाहते थे इसलिए इसमें सभी को अवसर दे रहे हैं, क्योंकि राम जी का कार्य जिस छात्र की इच्छा है वो सब इसके अंदर शामिल हो, हमारा ऐसी मंशा थी हमारी टीम की, और इसलिए ये कार्यक्रम सबके लिए है। केवल अभिभावकों को केवल दर्शन करना है, उनको अभिभावक और समाजजन जो रहेंगे उनको रैली में शामिल इसलिए भी कर रहे हैं कि वो अव्यवस्था हो जाएगी, छात्रों को हमको जैसे आएंगे वैसे ही उनके विद्यालय में पहुंचाना है, तो वो व्यवस्था ठीक से बनी है, बच्चा घूमे नहीं, इधर उधर नहीं हो, क्योंकि जब भीड़ आ जाती है तो व्यवस्थाएं फेल होने लगती है। तो समाज हमको इसमें शामिल होने का नहीं बोला है, केवल स्वागत करने की अपील हम लोगों ने की है।